नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं होटल कोर्टयार्ड मैरियट मुंबई से, जहां पर हम अटेंड कर रहे हैं एक कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है 5th मास्टर क्लास इन लंग कैंसर। और यहां पे लंग कैंसर के बारे में बड़ी सारी बातें हो रही हैं, बड़े सारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो आ रहे हैं, स्पीकर्स हैं, रेनाउंड स्पीकर्स हैं, वो बातें कर रहे हैं। और हमारे साथ ऐसी एक स्पीकर हैं डॉक्टर देवयानी नियोगी। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि जो लंग कैंसर का जब हम नाम सुनते हैं तो ऐसा होता है कि भाई ये तो स्मोकिंग करता होगा और अब तो इसको लंग कैंसर हो गया, अभी तो 2-4-5 महीने के मेहमान हैं, अब फिल्मों में भी हमारे ऐसे ही दिखाते हैं, तो ये कितना सच है और इस कॉन्फ्रेंस में आपने क्या बात करी और इससे आम जनता को या आपके काम के थ्रू लोगों को क्या बेनिफिट होगा? थैंक यू। तो मैं, आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है कि आज तक ऐसा ही रहा है कि लंग कैंसर बस स्मोकिंग से ही एसोसिएटेड है, उसको एक तरह का स्टिग्मा दिया जाता है, बट आज के ज़माने में वो सच नहीं है। तो काफ़ी सारी स्टडीज़ आई है और इंडिया खुद हम जो लंग कैंसर के पेशेंट्स देखते हैं उनमें स्मोकिंग पॉपुलेशन केवल 50% रहता है, मतलब 50% लंग कैंसर के मरीज़ ऐसे हैं जिन्होंने लाइफ में कभी सिगरेट नहीं पी। तो लंग कैंसर को स्मोकिंग के साथ एसोसिएट करना और स्टिग्मेटाइज करना बहुत गलत बात है। और अगर एडवांस स्टेजेस में भी लंग कैंसर आज आता है तो ट्रीटमेंट इतना आगे बढ़ चुका है और इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि एडवांस स्टेज में भी लंग कैंसर को ठीक करने के थोड़ी उम्मीद हम रख सकते हैं। तो वो ज़माना चला गया जब, जैसे आप बता रहे थे कि स्मोकिंग की होगी या अभी इसका कुछ नहीं हो सकता, वो ज़माना अब नहीं रहा लंग कैंसर में। अमेजिंग। सो भाई, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये मत सोचिए कि आप सेफ हैं, वो फिर भी एक रिस्क फैक्टर है, राइट डॉक्टर साहब? यस। और इस कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या बातें हम डिस्कस कर रहे हैं लंग कैंसर के बारे में? स्क्रीनिंग के बारे में अभी जस्ट बात हुई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्क्रीनिंग ऐसे लोगों में की जाती है जो मरीज़ नहीं है लेकिन जिनमें कोई रिस्क फैक्टर हो। तो अगर कोई ऐसा हो जो क्रॉनिक स्मोकर हो या बहुत सालों से सिगरेट बीड़ी पी रहा हो तो उनको ज़रूर स्क्रीनिंग के बारे में अपने डॉक्टर से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि स्क्रीनिंग से हम लंग कैंसर एकदम ही अर्ली स्टेज में पिकअप कर सकते हैं और जो स्टेज 1 में पिकअप होता है लंग कैंसर उसको पूरी तरह ठीक भी किया जा सकता है। अमेजिंग। थैंक यू डॉक्टर देवयानी हमारे साथ आने के लिए और अपडेट देने के लिए। थैंक यू।